इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानवीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिजली कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। मानवीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानवीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे सात सूत्री पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगो सात सूत्री पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिजली कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या क्या मांग है? हमारा पहला मांग है एजेंसी से मुक्त किया जाए। दूसरा मांग है महंगाई के अनुरूप वेतन में वृद्धि किया जाए। और तीसरा मांग है मानव बल का आकस्मिक अवकाश दिया जाए। और चौथा मांग है बोनस भुगतान किया जाए। और पांचवी मांग है चिकित्सा सुविधा दिया जाए। और छठी मांग है अधिकारी के दबाव में काम लिया जाता है, उससे मुक्त किया जाए। 30 दिन और हम लोग अपने कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। हम लोग को केवल हक दिया जाए। हम लोग 2013 से ही ड्यूटी पर कार्यरत हैं और 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर हम लोग को फील्ड में ड्यूटी करने पड़ता है। कहीं लाइन ब्रेक डाउन होता है तो मोटरसाइकिल से जाने में हम लोग को 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया खर्चा चल जाता है एक बार में। और सभी दिन कम पैसे में कैसे गुजारा करते हैं, बाल बच्चों को भी देखने पड़ता है उसी में। कर्जे पर कर्जे हम लोग लदे हुए हैं। और इसके साथ साथ 30 दिन ड्यूटी लिया जाता है, 26 दिन का पेमेंट मिलता है, 2400 घंटा हम लोग ड्यूटी पर उपस्थित रहते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द, और मैं मांग करता हूं सरकार से, गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हम लोग इसके बारे में सोचा जाए, जल्द से जल्द कुछ किया जाए, ताकि हम लोग आगे कुछ अपने बाल बच्चों के बारे में सोच सके। नहीं तो आंदोलन किया जाए, नहीं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, आंदोलन करेंगे हम लोग। हमारा हवा जरूरत, उनका ना हो जरूरत। हम क्या चाहते हैं? मिलकर बोलो, जोर से बोलो। हमारी मांगे, हमारी मांगे लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। देना होगा, देना होगा। बोल मेरे भाई, बोल मेरी बहन, सुन लो सरकार, सुन लो सरकार। एकता मंच ने ठाना है, एकता मंच ने ठाना है। अभी तो ये अंगड़ा आई है, बाकी बड़ी लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ा आई है, बाकी बड़ी लड़ाई है। नहीं किसी से भीख मांगते हैं हम। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो। क्या क्या मांग आपका है जी? हम लोग का तो मुख्य मांग है सेवा समय योजन। और हम लोग यहाँ पे जितने भी बिल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर हैं, विगत कई वर्षों से अपने कार्यालय में काम करते आ रहे हैं, लेकिन विभाग की तरफ से लगभग ये देखा जा रहा है कि पक्षपात की नज़रों से हम लोग जितने भी काम करते हैं वो बिल्कुल सरकार के हित में ही करते हैं और सरकार के लिए ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार की तरफ से ये देखा जा रहा है, एक उन लोग का माइंडसेट हो चुका है कि बिल्ट्रॉन के जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो एक बाह्य एजेंसी मतलब उर्मिला इंटरप्राइजेस के थ्रू काम करते हैं, और वो आप एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू एक आउटसोर्सिंग कर्मी आप लोग हैं। यानी एजेंसी आप लोग को पेमेंट देता है? एजेंसी ही उर्मिला के थ्रू ही पेमेंट हम लोग को मतलब की मिलता है। हाँ, विभाग सबसे पहले क्या करती है कि हम लोग का जो पेमेंट है वो विभाग पहले देती है, पहले विभाग को, ठीक है, बेल्ट्रॉन को। बेल्ट्रॉन क्या करती है, उर्मिला को सबमिट कर देता है, उसके बाद में थर्ड पार्टी के थ्रू पेमेंट रिसीव होता है। तो उसमें पेमेंट पूरा मिल पाता है कि कटता भी है? नहीं, कटता भी है। इसमें होता क्या है कि हम लोग को एम्प्लॉय कम एसेट के रूप में ज्यादा देखा जाता है,
ऐसा होता है कि कोई कर्मी के रूप में नहीं देखते हैं, एजेंसी भी यही देखती है कि हम लोग कर्मचारी नहीं है, एक एसेट है, एक सामान है जिसके ऊपर उर्मिला जीएसटी लगा करके और हमारे पेमेंट से 18% का जीएसटी कटौती करती है। और इसमें क्या है कि पेमेंट तो बनता है 30,000 के आसपास में, लेकिन जीएसटी और सब कटते हुए मैंने 20-18 के करीब में ये पेमेंट मतलब ऑन करेंट में मिल पाता है। हाँ, दूसरा, और दूसरा ये है कि यहाँ पे जितने भी लगभग काम कर रहे हैं कर्मी लोग, उन लोगों का दिन प्रतिदिन ये देखा जाता है कि किसी कारणवश मतलब कि एक विभाग से धमकी मिलता है या फिर जो कहिए कि अधिकारी के द्वारा हमेशा काम करिएगा, उसके प्रति आपको थोड़ा सा प्रेशर भी झेलना पड़ेगा और काम भी अधिक करना है। और इसमें ये आपको प्रताड़ना मिलेगा कि किसी अगर काम नहीं करिएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम आपका जो सेवा है जो बेल्ट्रोन को वापस कर देंगे, एक कलम चलाएंगे और आपका सेवा बिल्कुल सीधे वापस हो जाएगा। तो इसी को मजबूती के साथ रखने के लिए सरकार के साथ ये बात रख रहे हैं कि हम लोग का सिर्फ सेवा समायोजन हो जाना चाहिए ताकि इसके थ्रू हम लोग बिल्कुल प्रोटेक्शन में आ सके, स्थायी हो जाए आप लोग। हाँ, स्थायी कर्म मैंने बिहार के स्थायी कर्मी के रूप में हम लोग जाने जाए। अभी आप एजेंसी से हायर है? एजेंसी बेल्ट्रोन के थ्रू, एजेंसी नहीं है मतलब बेल्ट्रोन एक सरकार का एक एजेंडा, हाँ उपक्रम ही है, लेकिन पेमेंट जो उर्मिला से जो मिलता है बस उसी के कारण हम लोग आउटसोर्स कहलाते हैं, बस और कोई बात नहीं है। जीएसटी जो लग रहा है, उर्मिला क्या है? उर्मिला एक बेल्ट्रोन के द्वारा चयनित किया गया है सर्विस प्रोवाइडर हुआ, थर्ड पार्टी या एक कंपनी कह लीजिए, जो हम लोग का जो सैलरी बनता है वो बस उसी के थ्रू सीधे दलाल के रूप में का है, मतलब एक एजेंसी है। बेल्ट्रोन क्या किया है कि उर्मिला को एजेंसी के रूप में चयनित कर लिया है और विभाग और बेल्ट्रोन को पेमेंट देता है और बेल्ट्रोन उर्मिला को दे करके और उसके बाद हम लोग के पास में। अगला मांग क्या है? अगला मांग तो अभी फिलहाल नहीं है, अभी तो फिलहाल सेवा समायोजन हो जाए। यानी आप लोग मुख्य समस्या ये है कि हम लोग का स्थायी किया जाए और पेमेंट सरकारी तौर पर दिया जाए कि एजेंसी के द्वारा नहीं दिया जाए कि नहीं हम लोग का। जीएसटी जो कट रहा है वो काफी एक बर्डन है पेमेंट में, सरकार को भी इस पे काफी घाटा भी है। जीएसटी अगर वो सीधे तौर पे अगर मैंने वो सामान्य कर देती है तो सरकार को भी इसको लाभ होगा और हम लोग को खाते में भी बचत एक राशि मुफ्त मतलब मिल सकता है। तो जीएसटी कटता है तो उसका प्रमाण आपके पास है कि मेरा जीएसटी कट रहा है? पेमेंट स्लिप हम दिखा सकते हैं जिसमें हम लोग का 18% जीएसटी कटौती की जाती है, इसका प्रूफ हम लोग का ईआरपी सिस्टम में जो जनरेट होता है सैलरी स्लिप, उसको हम आपको साक्ष्य के रूप में दे सकते हैं।